जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जो घर में नज़र आती है, छोटे छोटे बच्चों को नज़र लगती है और कभी कभी किसी को भी नज़र लग सकती है, जिसे हम इंग्लिश में ईवल आई कहते हैं। इसको हाई भी कहते हैं, कोई भलाई भी कहते हैं, कोई ईवल आई भी कहते हैं, कोई नज़र भी कहते हैं। इस सब का कार्य होता है बाधा डालना। हमारे संपूर्ण एक शांतिमय जीवन में अचानक और बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं ये नज़र के कारण है। तो ये नज़र तीन प्रकार की होती है। पहली घर पर नज़र, आपका घर बहुत सुसज्जित है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं सब उचित हैं, तो उस घर में प्राय करके नज़र लगने के आधार होते हैं, चांसेस होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं, तो भी आपको नज़र लगने की चांसेज होते हैं। एक छोटे बच्चे प्राय करके चंचल होते हैं, उनको जब गौर से हम देखते हैं तो नज़र के चांसेज होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि नज़र बाहर वालों की लगे, नज़र घर वालों की भी लग सकती है। तो नज़र के मैं आपको बड़े सशक्त और तीन उपाय बता रहा हूँ, अलग अलग प्रमाण के अनुसार। पहला, ये घर में अगर नज़र का प्रभाव रहता है तो आप हफ्ते में एक बार या दो बार मंगल और शनिवार के दिन गूगल, लोहबान और दो लौंग कपूर के साथ जलाएं, उसके घर में निश्चित रूप से नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रमाणिक उपाय है कि 6 मिर्ची और 1 नींबू मिल के साथ हो जाते हैं, इनको काले धागे में पिरो करके अपने घर के दरवाजे पे टांग दें और समय यानी हफ्ते में एक बार उसे चेंज करते रहें। कुछ लोगों का इसमें प्रश्न आया था कि जो नींबू और मिर्ची लगाएंगे, सबसे पहले नींबू होगा, उसके ऊपर मिर्ची होगी, नींबू के नीचे कोई लोग कोयले को लगाते हैं, ये केवल मन की धारणा है। माचिस की तीली का एक नोक जो है काली होती है, माचिस की तीली या कोई जनरल सिंक भी लगा सकते हो, उसमें आपको नींबू मिर्ची लगाने से घर में जो भी आपकी नज़र चली जाती है। तीसरी घर का फॉर्मूला, जो घर में नज़र आपको कभी छू मंतर हो जाएगी, रुकेगी ही नहीं। कभी कभी हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में जब कभी आपको ऐसा चांसेज होता है, लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है, तो राई और नमक, काली राई और नमक हाथ में लेकर के और ओम नमः शिवाय बोलते पूरे घर में घूमें, और घर के पिछवाड़े में अगर गली है तो वहाँ गली पे डाल दें। ऐसा नहीं किसी दूसरे घर पे डालें, पंगा हो जाए। अगर घर में गली नहीं है तो घर के बाहर कोई भी तराया चौराया हो, वहाँ जाकर के चुपचाप डाल आओ। इन तीन उपायों से आपके घर में कभी भी नज़र आपको बचेगी नहीं, तुरंत छुमंतर हो जाएगी। दूसरी नज़र आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने ऊपर जब नज़र आपको एहसास हो, तो दो उपाय पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक मुट्ठी नमक, उसमें थोड़ा सा राई भी डाल लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। 7 बार क्लॉक राउंड ऐसे घुमाएं और क्लॉक राउंड घुमा करके उसे वाशबेसिन में डाल करके और पानी का प्रवाह चला दें, नल चला दें, उससे आपकी स्वयं की नज़र चली जाती है। दूसरा, स्वयं की नज़र के लिए यानी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा का आदान करने के लिए आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो नो कोई भी नज़र गुजर आपके पास में गुजरेगी नहीं, सब अपने आप आपके दूर चले जाएंगे। तीसरा, एक नज़र हटाने का विधान और भी है जो आपको मैं धीरे धीरे से बोलता हूँ। ये बच्चों के ऊपर नज़र हटाने का अत्यंत अचूक फॉर्मूला है। आपके घर में गाय भैंस हैं, दूध दे रही हैं, अथवा किसी कारण से उनको नज़र लग जाती है, इस विधि के अनुसार आप अपने घर में भी छींटे लगा सकते हैं, अत्यंत शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे। हमारे नर के अवतार अर्जुन हुए हैं, जो भगवान कृष्ण के अनन्य सखा हैं, पांडवों में जिनकी गणना होती है, ये सर्वविदित है। अर्जुन के 12 नाम मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा, उन 12 नामों को आप स्मरण कर लें अथवा लिख लें। एक पानी के गिलास में और एक चाकू लें, चाकू के मुट्ठे से पानी के गिलास को ऐसे क्लॉक राउंड घुमाते रहें और अर्जुन के 12 नाम बोलें। जब वो पानी तैयार हो जाएगा तो उस पानी को घर में छींटे लगा दें, बच्चे पे नज़र है तो बच्चे में छींटे लगा दें, बच्चे को पिला दें,
तो आप देखेंगे अचूक आपके नज़र भगाने के ये फॉर्मूले हैं, जिसमें आपके लिए अर्जुन पहला नाम, पार्थ, कौंतेय, कपिध्वज, गुड़ाकेश, सब्यसाची, परंतप, धनंजय, धनुर्धर, सखा, पांडव और फाल्गुन, ये अर्जुन के 12 नाम हैं। इन 12 नामों का स्मरण करने के साथ पानी आपका स्वतः सिद्ध हो जाएगा और उस पानी को आप अपने घर में छींटे लगाएं, बच्चों को पिलाएं, अपने ऊपर भी छींटे लगाएं, स्वयं भी पिएं, आप एक नए तरोताजगी और एक खुशी को अनुभव करेंगे। ये सभी अनुभव जनित श्रेष्ठ और सरल उपाय हैं, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट कभी ना है और ना कभी होगा। ये ज्ञान अत्यंत परोपकारी है, लाभदायक है, जो हमारा नित्य का सूत्र है कि सर्वजन हिताय, सबके हित की हम बात करते हैं, और सर्वजन सुखाए, सभी लोग सुखी हों, ये उद्देश्य रखते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस परम ज्ञान को आप आगे बांटें, आगे लोगों को बढ़ाएं और इसका अनुभव करें और सुख की अनुभूति करें, देखोगे आपके घर में कितना सगुण प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।